तो क्या हाल चाल है भाई लोग, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद उठाया कैमरा व्लॉग करने के लिए और आज हम हैं गुजरात में। लेट्स क्विकली तैयार हो जाते हैं, गाड़ी अरेंज हो गई है। लेट्स गो टू द रन ऑफ। क्या है कि समुंदर का पानी जो आता है ना, वो सूखता है तो पूरा नमक नमक हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, वो वैसा रहता है। ओ अच्छा, सूरज का पानी, समुंदर का पानी सूखता है तो वो रहता है। तो गाइस ये सारा नमक ही है, जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा नमक है भाई साहब। ये देखो मिट्टी नहीं है, ये देखो दिस इज नमक। अमेजिंग राइट। ये अल्ताफ नाम है मेरा। क्या क्या उम्र है आपकी? हमारी है 15 साल। 15 साल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अल्ताफ ने ये लगाया हुआ है फोटो लेने का बूथ और बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोटो आती है यहाँ पे। चलो थैंक यू अल्ताफ। कोई सोचा नहीं था ऐसे नमक पे चलूंगा, इसलिए इसको कहते हैं वाइट सैंड। अमेजिंग। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कालो डूंगर विच इज ब्लैक हिल्स। लोग भैया बता रहे हैं यहाँ पे ना अब एक मैग्नेटिक पॉइंट आएगा। मैग्नेटिक पॉइंट मतलब गाड़ी खींचता है अपनी तरफ, न्यूट्रल पड़ा है। अच्छा ये तो चली जावे ने, खींच के रखा है देखो। अच्छा मतलब ये ढलान में गाड़ी आपका वो नहीं, आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाया? मैंने कुछ नहीं लगाया है, एकदम न्यूट्रल है। अच्छा और गाड़ी यही रुका है? यही रुका है। तो पहुंच चुके हैं कालो डोंगर है, यहाँ पे मुझे पना दिए पगड़ी यहाँ पे जबरदस्ती लेके और जैकेट भी है देखो। अच्छा चलो ट्रेडिशनल ट्राई करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे बेसिकली कालो डोंगर है क्या, ये एक हिल है, यहाँ मंदिर भी है, ऊपर आके पूरा व्यू पॉइंट दिखता है। किस साइड है, कहाँ व्यू पॉइंट है? कहाँ? उधर है देखो सामने। वो उधर? अरे वाह क्या बात, इन्होंने मुझे पना दिया ना। वैसे उसकी गर्मी तो थोड़ी रुक रही है। बेसिकली वहाँ जो है कह रहा है वहाँ से बॉर्डर ख़त्म हो जाता है इंडिया का। इसका जितना जूम है उतना दिखा देता हूँ आपको। वो एक वहाँ पे आगे जाके दूरबीन के अंदर से दिख रहा है, बाय द वे मैंने अभी दूरबीन से देखा। तो है क्या सीन कि उधर जाके बॉर्डर जो है दिख तो रहा है, वैसे ऐसी बात वहाँ पे एक लाइन से दिख रही है, वहाँ बॉर्डर खत्म हो जाता है इंडिया का। बढ़िया। तो भाई लोग यहाँ दिख रही है रो शुगर केन, ये कभी नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखो। और उसी के आगे मुझे दिख रहा है बांटा वाला भी, बांटा कहते थे हम उसको नींबू पानी को। है शायद नहीं है, अरे वो रहा पॉइंट, वो रहा पॉइंट। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया। क्या बात है यार, फाइनली टॉप ऑफ द व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। ये जो अभी पानी दिख रहा है ना सारा यहाँ पे, सारा का सारा पानी सूख गया था मई तक, मई जून तक, ये सारा ही वाइट हो जाता पानी सूख के, मतलब वो सॉल्ट वाइट सैंड बन जाती है सारे के सारे। जो अभी हम देखा ना इससे पहले ऐसे ही सारा का सारा बन जाता है ये वाइट सैंड। पंजाबी होना चाहिए अब। चलेगा चला दे यार। तो What?
दिन रात बजाओ गाने डांस कर तू पूरा। चलो मेरा नाम है प्रणव, आपका नाम बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। सही बढ़िया, बहुत अच्छा बजाते हो। चलो बाय बाय। बिना चीनी के बनाना है ना भैया? चलो नींबू सोडा बन जाएगा, नींबू सोडा पी लेते हैं यहाँ पे। और नारियल कितने का है? 30 30 का। पानी आया उसमें? भरपूर निकलेगा। चलो पहले नींबू सोडा पिलाओ पहले, देखते हैं तेरा नींबू सोडा पहले। चलो बहुत छोटा ग्लास में देता है। तो इन भैया की वजह से हम लोग देख पाए हैं जो हमने बॉर्डर, क्योंकि इनके पास थी अच्छी दूरबीन। तो और यहाँ पे बहुत सारे हमने नए नए दोस्तों से मिले हैं। तो कहाँ से हो भैया आप बता दो? दिल्ली से हो? नाइस नाइस नाइस, ऑसम। चलो जय माता दी करते हैं एक और बार। हाँ, चलो 1 2 3 जय माता दी। ये देखो इस ऊंट का नाम है विराट, दिख रहा है क्या? अच्छा तेज तेज जा रहा है अब। हाँ, तेज जा रहा है। अच्छा देखो भाई, आते हुए हमने क्या किया है, अभी न्यूट्रल कर दिया भैया ने गाड़ी, और अभी जो है 60 की स्पीड में गाड़ी जा रही है, कोई गियर लगाए बिना, सोचो। तो खींच रहे अपने। अच्छा मतलब यहाँ आते टाइम स्लो रखता होता है और जाते टाइम तेज चलता है। हाँ गाड़ी तेज पता भी चल रहा है। अब न्यूट्रल रखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, नहीं। अरे भाई दिखाना भैया न्यूट्रल, न्यूट्रल दिखाना। हाँ ये देखो न्यूट्रल है, 60 की स्पीड में गाड़ी भाग रही है अपने आप। क्या बात, ठीक है भैया, थैंक यू, बाय बाय बाय। तो गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कॉमेंट्स में बता दो कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, एंड व्हाट अबाउट द लुक फॉर टुनाइट। This is the look for today's संगीत function. तो आज हम basically गुजरात इसलिए आए हैं क्योंकि हमें जाना था एक friend की शादी पे। तो because बीच में से मैंने एक अलग से vlog निकाल दिया है, so I thought I should give you a back story. If you follow me on Instagram, I upload a lot of stories, so I talk a lot there as well. So you can follow me there as well. And आप लोग जिन्होंने ब्लॉग देखा है, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड दोस्तों का शेयर कर दो, जो जो चीजें करनी होती है कर दो यार बस। ठीक है, जय माता दी, लव यू ऑल, बाय।